कोविड की वजह से बीते 2-3 साल में बॉलीवुड फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो ज्यादातर बड़े स्टार की फिल्में फ्लॉप साबित रही हैं। लेकिन हालात सामान्य होने के बाद सैनी प्रेमी अपने पसंदीदा सितारों को दोबारा से बड़े पर्दे पर देखने के लिए उतावले हो उठे हैं। उन्होंने सिनेमाघरों का रुख किया, लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री कमाई के मामले में तमिल फिल्म इंडस्ट्री से पीछे ही रही। इस इंडस्ट्री में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली 2022 की पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसके बाद द कश्मीर फाइल्स और रणवीर कपूर आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्री। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन और तबू की दृश्यम 2 ने भी कैलेंडर साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में जगह बनाई। तो आइए यहाँ 2022 की कुछ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री की निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में हैं। लगभग 20 करोड़ के बजट की इस फिल्म ने भारत में 246 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 334 करोड़ रुपए रहा है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। अयान मुखर्जी की मैग्नम ओप्स ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है 2022 की। 315 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ रुपए कमाए। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 412 करोड़ रहा। दुनिया भर में कमाई के मामले में इसने द कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो में नजर आए, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। दृश्यम 2। ये फिल्म इसी शीर्षक के एक मलयालम हिट का रीमेक है। इसमें अजय देवगन, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि तबू और अक्षय खन्ना नई स्टार कास्ट है। दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अभिषेक पाठक निर्देशित इस फिल्म ने भारत में 209 करोड़ रुपए की कमाई की है। वह इसका दुनिया भर में कलेक्शन 303 करोड़ रुपए रहा है। भूल भुलैया 2। कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी स्टारर 75 करोड़ रुपए में बनी भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 181 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 263 करोड़ रुपए रहा। अनीस बस्मी के निर्देशित ये बॉलीवुड फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है, जो अक्षय कुमार और विद्या बालन की 2007 में आई इसी नाम की फिल्म का सीक्वल है। गंगूबाई काठियावाड़ी। 125 करोड़ के बजट में बनी गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला भंसाली की निर्देशित एक बायोग्राफिकल फिल्म है। आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 126 करोड़ रुपए की कमाई की और मेगा बॉक्स ऑफिस हिट की सूची में शामिल होने वाली पांचवी बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 203 करोड़ की कमाई की। ये मुंबई के काठीपुरा की एक यौन कर्मी गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित है, जो बहुत संघर्षों को पार करने के बाद इलाके की दबंग राजनीतिक नेता बन गई है। लेकिन अगर 2022 में बॉलीवुड को न देखकर टॉलीवुड की तरफ रुख किया जाए तो वहां पर झंडे गाड़ दिए गए हैं कमाई की फिल्मों ने। टॉलीवुड में तमिल फिल्मों ने केवल तमिलनाडु के थिएटर्स में ही धमाल नहीं मचाया, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी बम्पर कमाई की। उदाहरण के तौर पर पोन्नियिन सेल्वन 1 ने तमिलनाडु के थिएटर्स 105 करोड़ रुपए की कमाई की, तो उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब करीब 500 करोड़ रहा है। इस तरह तमिल फिल्म विक्रम ने तमिलनाडु के थिएटर की कमाई 80 करोड़ रही तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 440 करोड़ रुपए था। कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 ने वर्ल्ड कमाई में तमिल फिल्मों पोन्नियिन सेल्वन 1 और विक्रम को पीछे छोड़ दिया और 1200 करोड़ से अधिक की कमाई की। इस फिल्म को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उधर अगर बॉलीवुड की बात करें तो उसकी वर्ल्ड वाइड टॉप कमाई करने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा ने केवल 412 करोड़ रुपए की कमाई की। तो ये था 2022 में बॉलीवुड का हाल। उम्मीद है कि 2023 में कुछ अच्छा बॉलीवुड के लिए जरूर होगा।